बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं भी आती तो लाइक कर दीजिए यार, आपका क्या जाता है जी। अच्छा, तो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, चले मैं पहले टाइटल दे देता हूँ जरा, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इंटरेस्टिंग होगा जी ये चैप्टर इंशाल्लाह, और मजीद इसको हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इक्विलिब्रियम। एक बात और यार, ये स्पीड के ऊपर मैं ज़रा सा काम करूँगा, स्पीड मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी ज़रा स्लो है जी, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह काम मैं करता हूँ। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हमने ये कोर्स शुरू किया था, ये बुक, तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को सबसे पहले क्या किया था जी, क्लासिफाई किया था। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, उस वक्त हमारी बेस या हमारी रेफरेंस थी कि वो फिजिकल क्वांटिटी बेस फिजिकल क्वांटिटी है या डिराइव्ड है या फिर सप्लीमेंट्री है। आज हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को दोबारा क्लासिफाई करेंगे, लेकिन हमारा जो बेस है या रेफरेंस है वो क्या होगा जी, वो होगा डायरेक्शन। तो फिजिकल क्वांटिटीज विल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इधर मैं कहता हूं फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो इधर हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, नंबर वन स्केलर। अच्छा, तो डायरेक्शन के बेस पर मैं डिफाइन किया, इसका मतलब या तो डायरेक्शन होगा या नहीं होगा, तो दो फिजिकल दो टाइप्स आ गई जी। तो पहला वाला जो है स्केलर, सो दैट आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, यानी कि उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और प्रॉपर यूनिट उनके साथ हो तो वो हमें समझ में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मास है जी, तो मास क्या है, एक स्केलर है, आपको डायरेक्शन की जरूरत है नहीं है। मेरा मास 100 kg है, तो क्या इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड है, 100 kg अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, टुवर्ड द लेफ्ट, टुवर्ड द राइट है, नहीं है जी। डाउनवर्ड अगर आप कहते हैं वो वेट है जी, वो मास नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं इस वक्त जो है तो 10:55 हो रहे हैं, 10:55 AM इज द टाइम राइट नाउ, तो कोई डायरेक्शन की जरूरत है नहीं है जी। अच्छा, और इस वक्त कमरे का टेम्परेचर जो है 22 डिग्रीज है, तो 22 डिग्रीज के साथ कोई डायरेक्शन की जरूरत है नहीं है जी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, या डेफिनेशन आप पूरी खुद लिख सकते हैं या मैं लिखूं, चलिए मैं लिखता हूं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली, स्पेलिंग आप जरा चेक किया करें, डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, और मैग्नीट्यूड के साथ उसका प्रॉपर यूनिट, ठीक है जी, यानी के डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं जी क्या चीज, स्केलर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मास का कहा जी, टाइम का कहा जी, और क्या कहा, टेम्परेचर का कहा, फॉर इंस्टेंस लेंथ का कहता हूं जी, इस बोल्ट की लेंथ कितनी है जी, 1.5 मीटर है, तो किसी डायरेक्शन की जरूरत है नहीं है जी। समझ आई। दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है वेक्टर, तो ऑफ कोर्स वो उसका ऑपोजिट होगा, अगर उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो इसमें डायरेक्शन की जरूरत होगी, ठीक है जी। अब एक बॉडी जो है तो जा रही है किसी खास चले वेलोसिटी के साथ, तो आप अगर वेलोसिटी उसकी रिपोर्ट करते हैं 40 किलोमीटर पर आवर से वो जा रही है, लेकिन मुझे डायरेक्शन भी चाहिए होती है वो किस तरफ जा रही होती है, मैं आपको कहता हूं कि भागो, ठीक है, तो इधर मैं आपको कड़ा करके कहता हूँ कि भागो, हमारे सर ने इस तरह एक्सप्लेन किया था जी, तो आप हैरान हो जाते जी, आप कहेंगे कि मैं किस तरफ भागूँ, दरवाजे की तरफ भागूँ, अपनी सीट की तरफ भागूँ, लेफ्ट भागूँ, राइट भागूँ, तो इधर आपको यानी कि डायरेक्शन की जरूरत है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। एक मेज पड़ा हुआ है जी, मैं आपको कहता हूँ इस पर धक्का लगाओ, ठीक है, धक्का लगाओ, तो धक्का तो आप किसी भी साइड पर लगा सकते हैं जी,
ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट राइट, और अगर मैं कहता हूं उठाओ तो फिर आप समझ जाते हैं कि इसको ऊपर उठाना है जी, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है कि जिसमें आपके पास क्या होगी जी, डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी, और उन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं जी, वेक्टर्स कहते हैं। सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन या जो भी हो आर कॉल्ड वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स एटसेट्रा। डिस्प्लेसमेंट को मैं आपको समझाता हूं जी, आप कंफ्यूज होंगे जी, डिस्प्लेसमेंट में भी तो एक लेंथ है। तो लेंथ नॉर्मली अगर आपसे लेंथ पूछा जाए, लेंथ, सो लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो तो आपको समझ आ गई। लेकिन फिर लेंथ में जो है डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है जी कि डिस्टेंस जो है स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो वो इसलिए है, मैं आपको बताता हूं कि डिस्टेंस जो है दैट इज द पाथ, एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जिधर बैठे हुए, जिधर किसी कमरे में बैठे होंगे, ऑफकोर्स चले लेट्स से ग्राउंड में भी बैठ के ये सुन रहे, तो आप अपने आप को किसी कमरे में कंसिडर करें कि मैं इस वक्त इस कमरे में खड़ा हूं और मैं आपको कहता हूं जी कि दरवाजा खोलो। तो दरवाजा खोलने के लिए आपके पास इंफिनिटी नंबर ऑफ रास्ते हैं। आप इस दीवार के साथ अब फॉर इंस्टेंस मेरा दरवाजा जो है उस कॉर्नर के ऊपर लगा हुआ है, तो मैं दरवाजा खोलने के लिए इस दीवार के साथ सीधा जा सकता हूं, फिर उस दीवार के साथ कट होके दरवाजा खोल सकता हूं। सिमिलरली इधर जा सकता हूं इस कोने तक, फिर उधर जा सकता हूं उस कोने तक, फिर जो है उधर से पैर कट करके दरवाजे तक पहुंच सकता हूं। सिमिलरली इस कमरे में मैं एक गोल चक्कर लगा के उस दरवाजे पर पहुंच सकता हूं। सिमिलरली दो चक्कर लगा के मैं उस पर पहुंच सकता हूं, क्या कहते हैं, दरवाजे तक। तो ये जो मैं डिफरेंट पाथ्स कवर कर रहा हूं इसको क्या कहते हैं जी, डिस्टेंस कहते हैं। इसमें मैं आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, आप किसी खास डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट जाए, आपको चाहिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगा जी, एक ही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा शॉर्टेस्ट। इंग्लिश में भी आप पढ़ते दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री इज व्हाट, कंपेयर टू ऑल। तो इसका मतलब दिस डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन मी एंड द डोर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब वो जो मल्टीपल पाथ्स मैंने पहले कवर की तो उसकी मुझे डायरेक्शन जरूरी नहीं थी, लेकिन इसके लिए एक खास डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, द शॉर्टेस्ट डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को मैं वेक्टर कहता हूं जी। समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल है। वेक्टर्स ओबे वेक्टर अलजेब्रा रूल्स, वेक्टर्स ओबे वेक्टर अलजेब्रा रूल्स। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है बताता हूं। स्केलर्स आपके सिंपल मैथमेटिकल अरिथमेटिक रूल्स को ओबे करते हैं, ओबे सिंपल मैथमेटिकल जो आपके अरिथमेटिक रूल्स है, यानी एडिशन, सिंपल इनकी एडिशन होती है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है, सिंपल डिवीजन होती है। वेक्टर्स में इस तरह नहीं होता, आपको इधर समझाते हैं जी वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा आपको इधर समझाते हैं। उससे पहले एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी जी किसी भी वेक्टर की, तो देखिए एक तो आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, सिंबॉलिक। तो कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है ए, लेट्स से ए एक कोई वेक्टर है, तो उसको आप क्या लिखे जी, बोल्ड लिखे, इसको आप बोल्ड लिखे। तो ये बोल्ड क्या हो जाता है जी, ये आपको बताता है कि ये आप किसी वेक्टर की बात कर रहे हैं। आप इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, सिंपल स्ट्रेट लिख के ऊपर एक एरो लगाए, सिंपल स्ट्रेट लिख के इसके नीचे एक एरो लगाए,
सिंपल स्ट्रेट लिख के इसके ऊपर एक बार लगाएं। तो ये मल्टीपल बुक्स में मल्टीपल सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है, हम यूज करेंगे ये वाली ऊपर वाली एरो, ठीक है जी। अच्छा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है तो वो होता है मॉडुलस के अंदर। सो द मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, अ वेक्टर इनसाइड द मॉडुलस एंड दिस विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। समझ आई? समझ आई। फिर एक होगी जी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि ये तो मैंने बुक के अंदर शो किया, कॉपी के अंदर, बोर्ड के अंदर, ग्राफ पेपर पे मैं इसको किस तरह शो करूंगा। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, वेयर द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स यू व्हाट, द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड इट इज अकॉम्पनीड बाय एन एरोहेड, एन एरोहेड, वेयर द एरोहेड गिव्स यू व्हाट, the arrowhead gives you the direction of the vector. समझ आई? समझ आई। अब ये इस तरफ है तो इसका मतलब direction इस vector की इस तरफ है। अगर मैं इस तरह बनाता हूं तो इसका मतलब ये जितना length है वो इसका magnitude है, ये upward की तरफ act कर रहा है। समझ आई? बिल्कुल आई। वेक्टर अलजेब्रा, जब आप किसी वेक्टर को ऐड करेंगे वेक्टर के साथ, आपको मिलेगा जी एक वेक्टर। हम एडिशन डिटेल में पढ़ेंगे। किसी वेक्टर को आप वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको मिलेगा वेक्टर। एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिकली एक ही है। किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ, तो ये आपको स्केलर भी दे सकता है, ये आपको वेक्टर भी दे सकता है। स्केलर वाला हम पढ़ेंगे जी डॉट प्रोडक्ट इसको कहते हैं, और जब वेक्टर देगा इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। समझ आई? बिल्कुल आई। अब वेक्टर को किसी स्केलर नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई वेक्टर, सो दिस वुड गिव यू अ न्यू वेक्टर, अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ व्हाट, ऑफ न्यू डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल, मास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके एक न्यू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मुझे मिलती है, फोर्स। किसी स्केलर नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं वेक्टर को तो मुझे मिलता है वेक्टर, लेकिन इसमें केसेस हैं। अब अगर स्केलर नंबर लेट्स से इसको मैं ए कहता हूं मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर वी, सो ए मल्टीप्लाई वी, ये अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है, लेट सपोज ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन वन है तो वेक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी और डायरेक्शन उसकी सेम ही रहेगी। सो दिस वुड गिव यू व्हाट, दिस वुड गिव यू ए टाइम्स वी, वेयर द मैग्नीट्यूड वुड बी इज ए टाइम्स, तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, डायरेक्शन वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर है, इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके लेंथ डबल हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन सेम ही रहेगी। एक इसका मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 हो तो फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगेन ए टाइम्स होगा मगर मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इसका मतलब ये एक वेक्टर है, इसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हाफ कर दिया तो ये हाफ हो गया और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी अगर पॉजिटिव था। और सिमिलरली ए पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम होगा, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। समझ आई? बिल्कुल आई। स्केलर नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर पॉसिबल नहीं है जी, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एसोसिएटेड होती है जी डायरेक्शंस। आप इस तरह समझ लें, फॉर इंस्टेंस एक फोर्स है 10 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट है, 10 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट एक्ट कर रहा है,
तो ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन। दूसरा फोर्स है, लेट्स से दूसरा भी वेक्टर है 5 न्यूटन टुवर्ड्स द वेस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स को मैंने डिवाइड करना है, तो चलिए 10 को तो मैं 5 पे डिवाइड करके मुझे 2 न्यूटन मिल जाएगा, लेकिन ईस्ट को मैं वेस्ट पे किस तरह डिवाइड करूं? तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ आई? समझ आई। अच्छा, वेक्टर को किसी स्केलर पे डिवाइड आप कर सकते हैं, वेक्टर को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी पे आप डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह एफ इज इक्वल टू एम ए से आप अगेन ले एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हैं फोर्स को मास के ऊपर डिवाइड करने से, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। और वेक्टर और स्केलर को आप एड और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, वेक्टर प्लस स्केलर या वेक्टर माइनस स्केलर, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखोगा जी? बिल्कुल देखोगा। अब एक कंफ्यूजन तो ये लेंथ में होती है स्टूडेंट्स को, और दूसरी कंफ्यूजन करंट में लोग क्रिएट करते हैं कि करंट के साथ तो डायरेक्शन होती है ना, तो आप उसको स्केलर कहते हैं जी। तो करंट को आप स्केलर क्यों कहते हैं? करंट के साथ डायरेक्शन होती है ना। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, लेट्स से ये एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव उसका पोटेंशियल है, कोई लोड रेजिस्टर लगा हुआ है आर, तो करंट किधर से किधर फ्लो होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव हम अज्यूम करते हैं जी, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। तो ये करंट की डायरेक्शन तो है, तो हम इसको वेक्टर क्यों नहीं कहते? तो मैं आपको समझाता हूं। लेट सपोज ये एक वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा का ये भी रूल है कि टू और मोर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स अकरिंग एट द सेम पॉइंट द रिजल्टेंट इज जीरो। ये चलिए मैं इधर लिख लेता हूं ना, आपको तो ये पता है। खैर, टू और मोर इक्वल वैक्टर्स, चलिए इक्वल एंड अपोजिट वैक्टर्स करें, टू और मोर इक्वल एंड ऑपोजिट वैक्टर्स एक्टिंग एट द सेम पॉइंट द रिजल्टेंट इज जीरो। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर मैं नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का, और सिमिलरली इसके ऊपर मैं एक फोर्स नीचे से लगाता हूं ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का, तो क्या इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या ये बॉडी कहीं पर मूव करेगी? नहीं करेगी जी। तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जीरो है, बॉडी स्टेशनरी रहेगी। करंट आपने देखा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा है, प्लस से माइनस। लेट सपोज ये एक प्लस है एक वायर में, लेट से ये एक वायर है, इसमें करंट आ रहा है जी 5 एम्पेयर का, और लेट सपोज इधर से जो है तो एक दूसरा पॉजिटिव पोटेंशियल है, और इधर से भी 5 एम्पेयर का करंट आ रहा है। अब इसने कहीं तो फ्लो करना है ना जी, तो नेगेटिव इसको मैंने देना है, तो लेट सपोज मैं नेगेटिव इसको इस तरफ देता हूं, नेगेटिव, ठीक है। तो ये करंट क्या इधर आके जीरो बनेगा? 5 एम्पेयर इधर से आ रहा है, 5 एम्पेयर इधर से आ रहा है, तो नेगेटिव की तरफ क्या 0 एम्पेयर फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा जी। सेकेंड ईयर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इस पॉइंट को हम नोड कहते हैं या जंक्शन कहते हैं, विच इज द कॉमन पॉइंट। यहां पे आके करंट ऐड होगा और नेगेटिव की तरफ क्या होगा? वो एडेड जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव की तरफ 10 एम्पेयर का करंट आएगा। तो देखें क्या इधर इस तरह हुआ था कि इधर 10 न्यूटन के फोर्स के साथ ये टुवर्ड्स द राइट या टुवर्ड्स द लेफ्ट गया? नहीं गया। तो ये देखिए इसने वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब इसलिए हम करंट को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। समझ आई जी? समझ आई। तो मेरे ख्याल में अब इसमें और समझने के लिए कुछ भी नहीं रहा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आपसे मुलाकात करेंगे जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।